हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 जॉब इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में बात करेंगे इक्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं आपका जो इक्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रेलवे के अंदर आपका आता है, आपका अंडरटेकिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, आपको सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर इंजीनियर आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी किया जाएगा। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता दिया, आपका कोई परमानेंट पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आपका रिक्रूटमेंट जैसे से आपका जारी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दे दिया आपको एप्लीकेशन नंबर, दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्ट्रैक्चुअल फिक्स्ड और इंक्लूसिव सैलरी पोस्टिंग प्रोजेक्ट आयरन, देख सकते हैं आपका जो प्रोजेक्ट कौन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड द्वारा लोकेटेड पैन इंडिया। ठीक है, पहला तो आपका जारी किया आपका जो वर्क्स इंजीनियर या सिविल इंजीनियर चाहिए, आपको फिक्स्ड आपको सैलरी आपको 36,000 रुपये आपको सैलरी पर मंथ आपको दिया जाएगा। एबार पांच आपका अनरिजर्व कैटेगरी का जारी किया और एक ओबीसी का। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आपका फुल टाइम बीटेक करना होगा सिविल इंजीनियरिंग, एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स रखना होगा और आप जिस भी यूनिवर्सिटी डिग्री काम करेंगे सिर्फ यूनिवर्सिटी को AICTE के द्वारा अप्रूवल होना होगा। और एज लिमिट आपको 30 साल, आपको एज लिमिट आपको होना होगा, उससे एज लिमिट आप नहीं अप्लाई कर सकते। इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी एक्सपेरिमेंट एक 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 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा होगा, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो सीनियर वर्क्स इंजीनियर, यहाँ पर भी आपको 40,000 आपको सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपका पांच ओबीसी के द्वारा नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ जो आने से उनके लिए ही यहाँ पर पांच है। ठीक है, ओबीसी का सिर्फ यहाँ एक ही दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन का सेम है, एज का 32 साल है और मिनिमम आपको 3 इयर्स तक आपको एक्सपीरियंस होना होगा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स बिल्डिंग ब्रिजेस और हाईवेज। उसके बाद आता है जो जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, आपको 45,000 आपको सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी थोड़ा कम है, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को 3 वैकेंसी दिया गया, ओबीसी को सिर्फ 1 दिया गया। यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो आपको सेम चल रहा है अभी तक आपका, और एज लिमिट आपको 35 साल तक आपको एज लिमिट आपको छूट मिलेगा। एज लिमिट आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिनिमम आपका 5 ईयर्स तो आपको और 3 ईयर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट इस पर आपको एक्सपीरियंस होना ही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के द्वारा उसके जो नीचे जो पोस्ट है ना, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सेफ्टी बोलते हैं उसको। ठीक है, उनको पर 45,000 उनको सैलरी फिक्स सैलरी मिलेगा। उनको उनको ग्रेजुएट डिप्लोमा कम्प्लीट करना होगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कॉन्ट्रक्शन मैनेजमेंट और ऑफिशियल मार्क्स उनको रखना होगा और उनको भी 35,000 उनको एजेंट छूट मिलेगा। ठीक है, मिनिमम आपको 5 साल तक आप तो सेफ्टी एक्सपेरिमेंट बेस्ट पार्ट आपको एक्सपेरिमेंट आपको रखना होगा एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद आता है जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर जो इलेक्ट्रिशियन है, उनको 45,000 सैलरी मिलेगा। उनको बीटेक कंप्लीट करना होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, उनको 35 साल तक उनको छूट मिलेगा यहाँ पर एज का, उनको भी 5 साल तक उनको कॉन्ट्रेक्चुअल सुपरवाइजर द्वारा उनको एक्सपीरियंस को उनको होना चाहिए। उसके बाद आता है जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर थे उनको भी सबसे ज्यादा यहाँ पर आर्किटेक्चर को सैलरी मिलेगा। ठीक है, 80,000 सैलरी उनको सबसे ज्यादा। ठीक है, पोस्ट भी आपको कम है, पोस्ट सिर्फ एक ही दिया है, जो आने जो कैटेगरी के सिर्फ एक ही दिया है। उनको बीटेक कम्प्लीट करना पड़ेगा उनको आर्किटेक्चर में। ठीक है, उनको बी आर्किटेक्चर में उनको बीटेक कम्प्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 60% मार्क्स उनको एटलीस्ट उनको रखना पड़ेगा। ठीक है, और जिस यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी AICTE के द्वारा अप्रूव होना होगा और उनको 42 आवर्स है, उनको एज लिमिट को छूट मिल, ज़्यादा एज लिमिट को आप नहीं अप्लाई कर सकते। मिनिमम 10 साल तक आपको आर्किटेक्चर फॉलो प्लानिंग डिजाइनिंग लाइसनिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एंड डिस्पोजिशन ओवरसीजन ओल्ड बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी टाउनशिप हाउसिंग कमर्शियल प्लेस बिल्डिंग भी उनको पर उनको मिल लेगा। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस उनको होना ही होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के वगैरह जो जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन होगा, अप्लाई करने का तरीका, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको कितना फी लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये सब
नोटिफिकेशन में आपको नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए मैं भी आपको नहीं बोल सकता हूँ, मैं आपको भी गलत नहीं आपको बोल सकता हूँ, मैं आपको बोल दिया, ठीक है, बाद में कुछ उल्टा होगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप वेबसाइट में जाके सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे, वेरीफाई, तभी तभी अप्लाई करने का टाइम भी आपको दे देगा, आपको कुछ पैसा देना होगा कि आपको पैसा नहीं देना होगा, ठीक है, और अप्लाई का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ आपको दे दिया। अप्लाई तो आपको ऑनलाइन में करना होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ आपको रिक्वायर्ड जो जो डॉक्यूमेंट्स है इसेंशियल है सब कुछ, माना हुआ फोटोग्राफ हो गया आपका, ठीक है, आपका पावर सिग्नेचर हो गया, आपका पीपीटी का सर्टिफिकेट मास्टर जो जो है सब कुछ आपको वेरीफाई करके आपको देना होगा, वो लोग बाद में आपका वेरीफाई करेंगे, आपको फिर बुलाएंगे, ठीक है। पीडीएफ और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वो तो देख सकते हो, वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताएगा, अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना और वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारे इस चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं और आप रोज देखिएगा, ठीक है, चलिए मैं अब चलता हूँ, गुड बाय।